अभी हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। चलो तो वो रिवीजन हम करने वाले हैं हमारी मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक 1 में से CW बुक एंड HW बुक। ओके, नाउ ओपन योर मार्वल सेमेस्टर सीरीज बुक 1 और पेज नंबर है 116। ओके, 116 और ये पेज में पुट ऑन द डेट हियर, यहाँ पे आज की डेट डालनी है और ये हम करने वाले हैं आज रिवीजन। ओके, देखो, आई रीड द इंस्ट्रक्शन। क्रॉस आउट द लेटर्स दैट डू नॉट मैच द फर्स्ट वन इन ईच रो। ये जो फर्स्ट रो है उसके साथ जो भी यहाँ पे नहीं मैच होता उसके ऊपर आपको क्रॉस कर देना है, ठीक है। कैन यू अंडरस्टैंड? ओके, तो देखो ये कौन सा है लेटर? यस, ये है यू। तो इसमें से यू के अलावा जितने भी है लेटर उसके ऊपर आपको क्रॉस करना है। क्या ये यू है? नहीं, तो ये है टी। तो इसके ऊपर आपको क्रॉस करना है। ये कौन सा लेटर है? यस, ये है जेड। तो ये यू नहीं है इसीलिए इसके ऊपर क्रॉस आएगा, ठीक है। ओके, ये चलो अभी ये है यू तो इसके ऊपर क्रॉस आएगा नहीं। अभी ये कौन सा लेटर है? जेड। तो इसमें से जेड कहाँ है? ये रहा। तो इसके अलावा दोनों लेटर्स के ऊपर हमें करना है क्रॉस, ठीक है। ये भी आएगा, इसके ऊपर आएगा क्रॉस। चलो, ये कौन सा लेटर है? टी। ओके, तो यहाँ पे टी कहाँ है? ये रहा। तो इसके अलावा दोनों लेटर्स के ऊपर आएगा क्रॉस। ओके, ठीक है। ये कौन सा लेटर है? ये है एस। तो यहाँ पे एस कहाँ है? ये रहा। तो क्या ये एस है? नहीं, और ये भी एस नहीं है। तो इसके ऊपर भी आएगा क्रॉस। चलो, ये कौन सा लेटर है? ये है एक्स। तो इसमें से एक्स कहाँ है? ये रहा। ओके, तो इसके अलावा दोनों लेटर्स के ऊपर आएगा क्रॉस। चलो, ये कौन सा लेटर है? डब्ल्यू। तो इसमें से डब्ल्यू कहाँ है? ये रहा। तो इसके अलावा दोनों लेटर्स के ऊपर आएगा क्रॉस, ठीक है। देखो, ये कौन सा लेटर है? वी। तो इसमें से वी कहाँ गया? ये है वी? नहीं, ये है। तो इसके अलावा दोनों लेटर्स के ऊपर क्रॉस आएगा। चलो, ये कौन सा लेटर है? वाई। तो इसमें वाई कहाँ है? ये रहा। तो इसके अलावा दोनों लेटर के ऊपर हम करने वाले हैं क्रॉस, ठीक है। समझ में आ गया? राइट, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज है 117। ओके, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे आज की डेट और यहाँ पे लिखा है ट्रेस एंड राइट। तो देखो, ये सारे लेटर हमें ट्रेस करने हैं और उसके नीचे ही हमें राइट करना है। चलो, अभी डॉट्स दिए हैं उसके ऊपर आपको ट्रेस करते जाना है एस, और फिर साथ में बोलते भी जाना है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो इसके नीचे फिर से एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ओके, कैसे ये दोनों लाइन में भी आपको कंप्लीट करना है। चलो, नेक्स्ट है ट्रेस एंड राइट द मिसिंग लेटर। ये क्या है? मिसिंग लेटर। हमें ये पूरे ABCD दी है, उसमें से हमें जहाँ जहाँ कोई भी लेटर नहीं है, मिसिंग है लेटर, उसके ऊपर हमें ट्रेस करना है, वो लेटर राइट करना है, ठीक है।
चलो ये है ए, ए के बाद क्या आएगा बी, ओके बी मिसिंग है, बी के बाद क्या आता है सी, तो सी भी मिसिंग है, सी के बाद क्या आएगा डी, डी भी मिसिंग है, डी के बाद आएगा ई, तो ये हमें ट्रेस करना है। अभी आएगा एफ एंड जी एच, ओके एच के बाद क्या आता है आई, फिर आएगा जे, फिर के और एल, एल के बाद क्या आता है बताओ, यस एम, तो एम मिसिंग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम, फिर आएगा एन, ओ पी, ओके पी के बाद क्या आता है क्यू, तो क्यू यहाँ पे मिसिंग है ना, जो भी लेटर मिस है उसको आपको लिखना है, क्यू के बाद आएगा आर, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ओके तो ये पूरी एबीसीडी आपको करनी है, ठीक है। नाउ क्लोज योर सेमेस्टर बुक, ओके एंड ओपन योर सी डब्ल्यू बुक। अभी सी डब्ल्यू की बुक में आपको लिखना है रिवीजन ए टू जेड, तो यहाँ पे आज की डेट डालनी है, ठीक है, दिख रहा है सबको, और फिर ये ए टू जेड तक आपको यहाँ पे लिखना है, और ये आपको घर पे करेंगे, ठीक है। चलो अभी क्लोज योर सी डब्ल्यू बुक एंड ओपन योर एच डब्ल्यू बुक। एच डब्ल्यू की बुक में भी हम करने वाले हैं आज रिवीजन ए टू जेड का। पहले यहाँ पे आज की डेट लिखेंगे और ए टू जेड हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके ये भी आपको करना है होमवर्क में, ठीक है बच्चों। तो अभी तो आप बड़े हो गए हो, ए टू जेड सबने रिकग्नाइज कर लिया है, राइटिंग में भी सीख लिया है, ठीक है, अभी इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, ओके। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। नाउ क्लोज योर एच डब्ल्यू बुक। तो बच्चों आपने रिवीजन कर लिया है ना, तो ये रिकॉग्नाइज करना है और राइटिंग में भी सीखना है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।